बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नायला भट्टी, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। हरूनाबाद से हमारे तहसील रिपोर्टर हबीबुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक DSP ट्रैफिक बहावलनगर अकमल उमर ने खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में ट्रैफिक के निजाम को बेहतर बनाने के लिए मोटरसाइकिल सवारों को लाइसेंस बनाने का नहायत आसान और कम वक्त प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाया गया है और पहले लर्निंग लाइसेंस के इजरा के बाद 42 दिन में बाकायदा लाइसेंस जारी किया जाता था, लेकिन अब चंद मिनटों के बाद ही बाजाब्ता लाइसेंस फराहम कर दिया जाता है। और इस प्रोजेक्ट का मकसद मोटरसाइकिल सवारों के लिए लाजमी लाइसेंस सिस्टम और ट्रैफिक कवायदों जवाबी से आगाही उजागर करना है। इसीलिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तलबा के लिए मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लाजमी करार दिया गया। इसी तरह हेलमेट के लाजमी इस्तेमाल के कल्चर को भी लागू किया जा रहा है और खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माना और इसके बाद भी हेलमेट इस्तेमाल न करने पर FIR दर्ज कराने के लिए भी प्लान है। सड़कों पर मोटरसाइकिल सवारों को दरपेश हादसात की शरह पर काबू पाने और कीमती जानों के ज़िया से बचने के लिए सारा प्रोजेक्ट संग मील की हैसियत रखता है और हमें यकीन है कि हर फर्द बिलखसूस नौजवान जिम्मेदार शहरी की हैसियत से इस प्रोजेक्ट से इस्तेफादा हासिल करते हुए ट्रैफिक के निजाम को महफूज और बेहतरीन अंदाज में रवां रखने के विजन को कामयाबी से हमकनार करेंगे। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड, मुस्तनद खबरों की दुनिया।